इसके अंदर भी देखो पानीपत मूवी और बाजीराव मस्तानी पूरी इसी के अंदर शूट हुई थी। यहाँ पर ये पूरा महल का एरिया हमें बाजीराव मस्तानी और पानीपत मूवी में दिखाया गया था। 3 से 4 महीने तक यहाँ पर बाजीराव मस्तानी की शूट चला था। ऊपर की तरफ सारी लाइट्स लगी रहती है। हॉरर मूवीज में क्या दिखाया जाता है, जो पिलर्स पर रहते हैं रियल के दिए लगाए रहते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर रियल दिया नहीं रहता है, ऐसे यहाँ पर लाइट्स लगाए रहती है। ये है ना पूरा पेशवा का यहाँ पर सिंहासन हमें दिखाया गया। हाय गाइस, यहाँ पर है ना शूट हुआ था पानीपत मूवी का और बाजीराव मस्तानी का, जो कि आपने वो मूवी देखी रहेगी, काफी हिट मूवी रही थी अपने टाइम की बाजीराव मस्तानी। तो पूरी बाजीराव मस्तानी है ना देखो यही शनिवार वाड़ा के अंदर शूट हुई थी। जो बाजीराव पेशवा का जो महल दिखाया जाता है वो शनिवार वाड़ा हमें दिखाया जाता है। तो रियल का शनिवार वाड़ा है ना जो पुणे में बना हुआ है, तो वो लोग पुणे में जाकर तो शूट नहीं कर सकते, इसलिए फिल्म मेकर्स ने है ना यहाँ पर मुंबई के ये एनडी फिल्म स्टूडियो के अंदर ऐसा यहाँ पर फेक पूरा रेप्लिका जो शनिवार वाड़ा का है उसी की तरह सेम टू सेम यहाँ पर बनाया हुआ है। तो चलो अभी मैं आपको है ना ये शनिवार वाड़ा पूरा अंदर से दिखा था, ऐसे मूवी का शूट हुआ था और सारी बिहाइंड द स्टोरीज आपको बताता हूँ। तो ये शनिवार वाड़ा का जो आपको गेट यहाँ पर बना हुआ है देखने में आपको कैसा, यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो इसको कैसा लगता है कि ये पूरा पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन ये गाइस रियली में पत्थर का नहीं होता है, ये है ना पूरा यहाँ पर प्लाई मटेरियल का बनाया गया है। और देखो ये बड़ा सा यहाँ पर एक गेट बनाया गया है, गेट भी है ना मेरे ख्याल से ये 18-20 फीट का गेट है, जैसा रियल शनिवार वाड़ा के अंदर बनाया गया है। और जैसे ही शनिवार वाड़ा मैंने रियली में भी विजिट किया है, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि उसके गेट पर भी ऐसे किले यहाँ पर लगाए गए थे, तो यहाँ पर भी दोनों गेट पर देखो किले लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो दुश्मनों के हाथी यहाँ पर अटैक ना करें ना, इसलिए ऐसे यहाँ पर गेट के ऊपर किले लगाए जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये तो पूरा है ना यहाँ पर फेक ये लोग ने बनाया है, पूरा ये प्लाईवुड मटेरियल का है, कोई रियल मटेरियल का नहीं बनाया है। मैं आपको इसकी है ना दीवारें दिखाता हूँ, आपको दीवारें आप देखो, तो ये देखो ये पत्रे की और पूरी है ना प्लाई मटेरियल जैसे इसको बनाई गई है। रियली में वो लोग शनिवार वाड़ा में जाकर शूट करें ना, तो वहाँ पर क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहता है और वहाँ पर डिफिकल्टी हो जाएगी वो लोग को शूट करने में, इसलिए फिल्म मेकर्स है ना देखो ऐसे यहाँ पर सेट बनाते हैं। अंदर की तरफ एक महल हमें और एक देखने मिल रहा है, जो जिसके अंदर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और अंदर से भी दिखाता हूँ। इसके अंदर भी देखो पानीपत मूवी और बाजीराव मस्तानी पूरी इसी के अंदर शूट हुई थी। और फिर ये गार्डन का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये गार्डन का एरिया है ना काफ़ी बार यहाँ पर पानीपत मूवी में दिखाया गया था, वॉच टावर जैसा यहाँ पर बनाया गया है। और देखो ये महल भी काफी खूबसूरत यहाँ पर बना हुआ है, मैं आपको महल के अंदर ले चलता हूँ और जहाँ पर बाजीराव मस्तानी का शूट हुआ था ना वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये सारी चीजें बनी हुई है ना, तो यहाँ पर ये पूरा महल का एरिया हमें बाजीराव मस्तानी और पानीपत मूवी में दिखाया गया था। मैं आज से है ना करीब 2 साल पहले भी यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन तभी के टाइम पर है ना यहाँ पर ये चीज़ें सारी की सारी खराब हुई पड़ी थी, लेकिन आज है ना ये और किसी मूवी के शूट हुआ होगा वापस से इसमें, इसलिए सारी चीज़ों को ना रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, रीबिल्ड कर दिया। पेशवास का महल हुआ करता था वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर बनाया गया है। 3 से 4 महीने तक यहाँ पर बाजीराव मस्तानी की शूट चला था। और जो पानीपत मूवी में तो कुछ कुछ सीन्स थे यहाँ पर सारे पेशवास का दरबार लगा करता था, तो वो सारी चीजें देखो यहाँ पर शूट की जाती थी और उसे शूट करने में ना करीब उसको भी 2 से 3 महीने लगे थे। लेकिन मैं आपको ऊपर की तरफ से दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ सारी लाइट्स लगी रहती है, नीचे की तरफ से देखने में आपको मूवीज में हमेशा ऐसा ही लगेगा यहाँ पर वो लोग कोई रियल में जाकर शूट कर रहे हैं। हॉरर मूवीज में क्या दिखाया जाता है, जो पिलर्स पर रहते हैं रियल के दिए लगाए रहते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर रियल दिया नहीं रहता है, ऐसे यहाँ पर लाइट्स लगाई रहती है। ये है ना पूरा पेशवा का यहाँ पर सिंहासन हमें दिखाया गया था, देखो कैसे यहाँ पर ये हिस्टोरिकल जैसा पूरा बनाया गया है। यहाँ पर एक लायन का स्टैचू है, एलिफेंट का स्टैचू रखा हुआ है, और यहाँ पर ये साइड में भी देखो जैसे मैंने आपको दिया का दिखाया था, तो ऐसे यहाँ पर दिए जलते हुए दिखाई देते हैं हमें मूवीज में, लेकिन दिए नहीं रहते, ये है ना लाइट्स लगाई रहती है यहाँ। देखो यही कुछ इसका ओवरऑल लुक है यहाँ पर मूवी में हमें दिखाया जाता है। यहीं पर सारे सिंहासन पर यहाँ पर जो पेशवाज रहते हैं उनके मंत्री रहते हैं वो सारे यहाँ पर बैठते हैं और यहीं पर वो सारी चीजें शूट होती है। ये काफी बड़ी सी स्पेस में यहाँ पर ये सारी चीजें बनाई गई हैं। कुछ ओवरऑल लुक था ये पूरे फेक शनिवार वाड़ा का, जहाँ पर पानीपत और बाजीराव मस्तानी ये दोनों भी मूवी है ना यहाँ पर शूट हुई थी। आपको भी ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम गुड बाय। We'll be right back.